लड़का यहाँ बैठ के रो रहा था, मैं कितनों को क्या करूँ। लेकिन मैम आपको आप जस्टिफाई करती हैं इस चीज को कि कुछ एक लड़कियों की वजह से आप पूरे कॉलेज को आप एक तरह से आप हरास कर रही हैं, एक तरह से उसको मैम ये आरोप लड़कियां लगा रही हैं आप कि आप हरास कर रहे हैं। बात क्या हुई है, बात ये हुआ है कि मैंने इन्हें कहा है कम इन द प्रॉपर यूनिफॉर्म, अब वो लड़कियाँ यूनिफॉर्म में नहीं आती तो पहचान ही नहीं जाती हमें, क्या पता जब पूछो कि आप वाई भी सब सुनो, मैडम हम तो कॉलेज आए नहीं, हम बाहर की लड़कियाँ आउटसाइड है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म में आओ प्रॉपर। और एक टाइमिंग मैंने सारे डिपार्टमेंट्स के साथ डिसिप्लिन कमेटी के साथ मीटिंग करके हमने डिसाइड किया कि टाइमिंग जैसे कॉलेज का गेट पहले भी बंद होता है, सब कॉलेजेस के होते हैं, 10:30 से लेके 1:40 तक गेट बंद, बस यही बात हुई है। पहले इन्होंने सुबह मॉर्निंग में जब मैं आई तो हल्ला उठा हुआ था, ये प्रोजेक्टेड चीज़ है, किसी ने इनको पढ़ाया हुआ है, वो मेरे को समझ भी आ गया है क्योंकि एक दो बंदे नाम भी ले गए हैं। अब जब मैं आई हूँ सुबह तो मैंने पूछा बच्चे बताओ क्या, लड़कियों को बुलाया जो कह रही थी जस्टिस, मैडम हमारे साथ मिसबिहेव करता है कौन, ये चौकीदार। मैंने कहा ठीक है, मैंने दोनों चौकीदार बुलाए यहाँ, बताइए किसने मिसबिहेव किया। एक को बुलाया, जब पहले इन्होंने गुलजार का नाम लिया, गुलजार को बुलाया तो कहती नहीं मैडम ये नहीं, वो लंबे जिनका लंबा फेस है दाढ़ी वाला, वो बुलाया, मदन बुलाया, उसके लिए कहती हैं ये अंकल तो बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा अच्छा, इसको आपने सर्टिफिकेट दे दिया, दूसरा गुलजार ये सामने खड़ा, पूछो इससे। मैंने कहा एक कहती है अब्यूसिव, मैंने पूछा मैं अब्यूसिव लैंग्वेज बोलता है, नहीं मैडम हार्शली बोलता है, दे हैव चेंज्ड स्टेटमेंट्स। अब हमने ये डिसाइड किया यहाँ कि इन सारे चौकीदारों को सेंड द फोर्स लीव, दूसरे चौकीदार लगा देते हैं। अब वो ऑर्डर मैंने निकाला, मैं यहाँ से गई, मैंने कहा कि सुनो बात, बात करने के लिए माइक निकाला, मैं ये बातें नहीं सुन रही। आपके रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं सारे, किस क्यों किस बेस पे? वो कह रहे हैं कि जिस चौकीदार ने हमारे साथ बसलूकी की है उनके बकायदा कपड़े तक उसने फाड़े हैं, जब उस बात की कंप्लेंट वो आपके पास लेके आते हैं तो आप उनके साथ बसलूकी करते हैं, बात नहीं सुनते। मेरे पास कोई कंप्लेंट है तो मेरे को दिखाइए। डोंट यू फील दैट दे आर मतलब यूजिंग बोथ द थिंग्स एट अ सिंगल प्लेस, कि दे आर डिमांडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ द प्रिंसिपल फॉर द थिंग व्हिच इन व्हिच द प्रिंसिपल इज नॉट इन्वॉल्वड। प्रिंसिपल इज नॉट इन्वॉल्वड एट ऑल, प्रिंसिपल को कुछ पता ही नहीं है। दे आर हैविंग सम इश्यूज विद देयर फ्रिस्किंग, दे वांट देयर शुड नो No frisking, there is no frisking. तीन टीचर हमारे ड्यूटी पे होते हैं, तीनों फीमेल हैं, ज़्यादा ज़्यादा वो उनको ये कहते हैं कि आपने ये क्यों पहना है कमीज सलवार प्रॉपर यूनिफॉर्म क्यों, बस कोई फ्रिस्किंग नहीं होती, कोई कुछ। ये प्रोटेस्ट क्यों कर रही है फिर, आपको क्या लगता है? इंस्टिगेटेड है, पीछे से प्लांड है, सम बॉडी सम फोर्सेस आर वर्किंग अगेंस्ट एस्पेशली प्रिंसिपल, कि उनको आप नहीं कह सकते साइंसेस की क्लासेस लग रही है, देखिए क्लासेस लग रही है, ये सिर्फ कॉमर्स का एक ग्रुप है और जो चार लड़कियां भागी हैं वो भी कॉमर्स। थैंक यू। ये कॉमर्स का ग्रुप है एक जिनसे चेक हुआ है,